कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण के बीच में लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार ने अब कुछ दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। इसी के साथ ही कोटा में भी मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक रेस्टोरेंट्स और साथ ही में भोजनालय की दुकानें खुल गई हैं। तो वहीं मिठाइयों की दुकान के बाहर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने के लिए नोटिस भी लगाया गया है। इसी के साथ एक एक करके लोगों को सामान खरीदने के लिए दुकान में प्रवेश दिया जा रहा है। मिठाई खरीद रहे ग्राहकों ने सरकार के इस प्रयास की तारीफ भी की, तो वहीं दो माह के बाद खुली मिठाई की दुकानों का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। कोरोना वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण के बाद देश भर में लॉकडाउन बना हुआ है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने कई दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके तहत मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट भी शामिल है, लेकिन इन सब दुकानों के अंदर कोई भी बैठकर खाना नहीं खाएगा। सिर्फ जो भी पैक कराना हो उसको पैक कराकर और दुकान के बाहर निकल जाएगी। इस समय मैं खड़ा हूँ दादावाड़ी की एक मिठाई की दुकान पर और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आज पहली बार करीब दो महीने बाद अब मिठाई की दुकान खुलना शुरू हुई है, तो जो यहाँ पर कर्मचारी है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जो मिठाइयाँ तैयार की गई हैं वो भी फ्रेश तैयार की गई है। ग्राहक भी यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार यहाँ से मिठाई लेकर जा रहे हैं। कुछ ग्राहकों से भी हम बात करते हैं। सर, आप मिठाई लेने आए हो और करीब दो महीने बाद आप दुकानें खुली हैं, तो किस तरह की व्यवस्था आपको दुकान पर दिखी है और किस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है? व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी दिखी है और मिठाई आज की ताज़ा है और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। कितना कारगर साबित मानते हो आप जिस तरह से राज्य सरकार ने मिठाइयों की दुकान और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त दी है? कितना सही फैसला है राज्य सरकार? भैया, राज्य सरकार का फैसला अपने आप में बहुत अच्छा है। इससे धीरे धीरे दुकानदारों को भी थोड़ा वो हौसला अफजाई होगा और ग्राहक भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट और जो फास्ट फूड को खोलने की जो इजाजत दी गई है वो कहीं ना कहीं जो ग्राहक है, जो शहरवासी, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कारगर साबित है और इससे जो कर्मचारी हैं उनको उनकी जो जो भूखे मरने की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब सुधरेगी और उनका रोजगार चलेगा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसमें लॉकडाउन की पालना करना बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बाहर दुकान के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है जिस पर लिखा गया है कि दुकान के अंदर अगर आप आते हो तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है। ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लॉकडाउन थर्ड जो चल रहा है उसकी पालना करना बेहद जरूरी है, तभी इस कोरोना वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण से निजात मिल सकेगी। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज, जो कैमरा पर्सन दीपक के साथ, योगेंद्र महावर, A1 TV, कोटा।